नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा ये न्यू वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला। आज का वीडियो में बताएंगे जिस भी स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उसका एडमिशन कैसे होगा, इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताएंगे। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट या तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट या तो थर्ड मेरिट लिस्ट तीनों में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं है यूजी का, तो आपको देखिए सबसे पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय क्या करेगा, जितना भी कॉलेज है पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर, तो सभी कॉलेज में तब तक अपडेट नहीं करेगा जब तक सभी कॉलेज में एडमिशन कंप्लीट ना हो जाए। यानी बताते हैं थ्री मेरिट लिस्ट जो आया है उसका एडमिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सभी कॉलेज एक अपडेट लाएगा। यानी एक अपडेट क्या लाएगा, देखेगा कि जैसे कि हिस्ट्री में कितना सीट बचा है, पॉलिटिकल साइंस में कितना सीट था, अदर विषय में कितना सीट बचा है। सभी कॉलेज पूर्णिया विश्वविद्यालय को इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले क्या करेगा, फिर से फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालेगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर सीट रहा तो। अगर कोई भी से मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं है तो पूर्णिया विश्वविद्यालय को खबर चले जाएगा कि इस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं है, इसमें तो कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं आ सकता है। और आपको एक ऑप्शन दे देगा कि चेंजिंग का अपना ऑनर्स पेपर जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा पूर्णिया विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पेज पर जाके लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहां एक ऑप्शन मिल जाएगा कि चेंजिंग योर ऑनर्स पेपर। अगर आप ऑनर्स पेपर चेंज कर देते हैं तो आपका जैसे आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना सीट बाकी है, क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय ये इन्फॉर्मेशन अपना वेबसाइट में दे देगा जब उसको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी थ्री मेरिट लिस्ट जो निकला है उसका एडमिशन स्टार्ट है, जब तक थ्री मेरिट लिस्ट का एडमिशन खत्म ना हो जाए तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही सीट इतना मान लीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स जो भी हिस्ट्री किया, हिस्ट्री में दो सीट ही बचा है, जैसे केवी झा कॉलेज मान लीजिए, केवी झा कॉलेज है हिस्ट्री में दो ही सीट बचा है, तो दो सीट बचा दो ही स्टूडेंट को लिया जाएगा, उससे फाजिल स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से सभी मतलब सभी कॉलेज में पहले अपना सीट देखेगा कितना सीट बचा है, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय को इन्फॉर्मेशन करेगा, उसी हिसाब से फिर से चौथा मेरिट लिस्ट निकालेगा यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक था। जब आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट निकलेगा और कितना सीट बचा है, आपको मतलब कैसे ऑनर्स पेपर चेंज करना है, इस पर भी एक रिलेटेड वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना छोटा भाई समझ गए थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि चैनल छोटा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के इसमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और एनएसपी स्कॉलरशिप जितना भी स्कॉलरशिप है, प्राइवेट हो या तो सरकारी हो, सभी का इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलता है। प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।